उनका ना खुशी अध्यक्ष है, खुशी अध्यक्ष का खुशी अध्यक्ष है, अध्यक्ष का और उसका छे तथा खुशी अध्यक्ष है, खुशी अध्यक्ष का उसका छे तथा खुशी अध्यक्ष सहा तथा सहा खुशी अध्यक्ष ही उसका छे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, होम बलियों से भी अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ध्यान रखे। मी यज्ञाचा नाही तर दहीचा भुकेला आहे, होमार्पणांपेक्षा देवांचे ज्ञान मला आवडते। आपण डोळे बंद करतो, तमाकू बंद केले। तांदणे गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो। तांदणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता, वचन आम्ही लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी तू मदत कर, आमच्यावर दया कर। ही आमची विनंती, आमची प्रार्थना, आमचं मन वचनावर लागण्यासाठी सहायता कर, ही आमची विनंती आहे। आणि आज आम्ही प्रभू वचनात भाग घेत असताना आम्हा सर्वांना प्रभू तुझी इच्छा आहे ना की आम्ही दयाळू असावं, प्रेमळ असावं, आणि प्रभू आमच्यामध्ये स्थिर प्रेम असावं, आणि आम्ही तुला ओळखावं। तर मग त्या अगोदर ही वचनाची वेळ जी तू दिली आहे त्यांना समजण्यासाठी, आम्हा सर्वांवर समजण्यासाठी तू मदत कर, आणि आमच्यावर हाच आशीर्वाद येऊन दे। आणि आमची प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने, आमेन। किती प्रियानो देवाचं वचन सांगतं, वचन घेत आहे की देवाला, देव कोणत्या गोष्टीने खुश होतो की ते सांगितले आहे। परमेश्वर कोणती बाजू से खुश होता है यहाँ पर बताया। देवाला बलिदान दिलं, परमेश्वर को बलिदान दिलं, पैसा दिया किंवा बकर कोंबड दिलं और होम बलि चढाया, तर त्याच्याने तो खुश नाही होत। उसी को प्रसन्न नाही, तो कशाने खुश होतो, वो किससे प्रसन्न होता। जेव्हा तुम्ही प्रेम करता, जेव्हा प्यार करते, सुद्धा स्थिर प्रेम, और वो भी स्थिर प्यार, अस्थिर प्रेम नाही, अस्थिर प्यार। जेव्हा तुमची इच्छा असेल तेव्हा तुम्ही प्रेम केलं, जेव्हा तुमची इच्छा नाही तेव्हा तुम्ही प्रेम नाही केलं, तसं प्रेम नको। और जब आपकी इच्छा है तब आपने प्यार किया, जब आपकी इच्छा नहीं है तब आपने प्यार नहीं किया, ऐसा प्यार उसको नहीं चाहिए। स्थिर प्रेम पाहिजे, स्थिर प्यार। मराठी लिहिले दया, और मराठी में लिखा है दया, दया पाहिजे, दया चाहिए। देवाची इच्छा आहे की देव दयेने प्रसन्न होतो, और परमेश्वर की इच्छा आहे की परमेश्वर दया से प्रसन्न होतो। देव कटू, देव दयाळू आहे, परमेश्वर दयाळू आहे, आणि त्याची इच्छा आहे की त्याची मुलं सुद्धा दयाळू असावे, और उसकी इच्छा आहे की उसके बच्चे भी दयावंत। तुम्ही कठोर असू नये, आप कठोर नाही होणे, दगडासारखे असले नाही, आप पत्थर के समान नाही होणे, पाषाणासारखे असले नाही, आप पत्थर का हृदय आपका नहीं होना चाहिए। तुमच्या समोर कोणी रडतंय की आपके सामने कोई रो रहा है, रोया करतंय और बहुत गिडगिडा रहा है, तर तुम्ही एकदम दगडासारखे, तुम्हाला काहीच होत नाही, समोरच्या व्यक्तीचं नुकसान होते। और आप पत्थर की नहीं नहीं बनना है कि सामने वाले को कोई कुछ भी बोले तो फिर भी आपके ऊपर तो जजन समझा भी इतना लोग कह रहा आप लो, और अगर मैंने इसको अपना सिर पटक दिया तो क्या होना है, तो क्या होने वाला है, हेला का असर होना है क्या, और इसके ऊपर कुछ असर होने वाला है, लकड़ा लगा होना है, और इस लकड़ी को कुछ होने वाला है, कसर उभा रहे, और वो जैसा है वैसे ही खड़ा रहेगा। पर मारा क्या हुई, पर मुझे क्या होगा, रक्त ये खून आएगा, पहले टेंगुड़े और पहले टेंगुड़ आएगा, हिंदी में भी टेंगुड़ी बोलते हैं, टेंगुड़ आएगा, उर्मा ए, आणि नंतर त्याच्यातून रक्त येईल, मारती राहू, मारती राहू, नाही नाही मला दे, नको ना, करू नको ना, असं करू नको ना, असं आले काय दादा काय फरक पडत आहे, और मैं इसके सामने कितना भी रोई तो भी इसको कुछ फर्क आओ बोल, और अपने से जोराने हो रहा है, और जोर से चिल्ला आगे जाने दे, मैं आगे जाऊंगा, और मेरा क्या जाने वाला है, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा हो नहीं, और ऐसा नहीं, देवाची इच्छा है कि तुम ही दयालु हो सके, और परमेश्वर की इच्छा है कि आप दयावान बने। 2023 मध्ये देवाची इच्छा है तुम्ही देवाला जर खुश करायचे तर दयालु बना, और 2023 में परमेश्वर की इच्छा है आपको परमेश्वर को खुश करना है तो आप दयावान, तुम्हाला माहित आहे देवाचं वचन सांगतं, और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन, पहिला सॅम्युएल अध्याय 15 मध्ये, पहिला सॅम्युएल अध्याय 15 मध्ये तिथे असं लिहिलेलं आहे 22 वचन, वहां पर ऐसे 22वें वचन में लिखा है कि परमेश्वराला होमार्पणा पेक्षा यज्ञ पेक्षा, और परमेश्वर को हो बलियों से भी ज्यादा त्याचं ऐकणं आणि आज्ञापालन करणं, उसका सुनना और आज्ञापालन करणं खूप आवडतं, हे परमेश्वर को भात आहे। तुम्ही देवाला काहीतरी भेट वस्तू देताय, और आप परमेश्वर को कुछ भेट वस्तू देता, भेट वस्तू पेक्षाही, और उस भेट वस्तू से तुम्ही देवाचं ऐकता, आप परमेश्वर का सुनते आणि कसं करता, और उसी रीती से करते है, हे देवाला आवडतं, हे परमेश्वर को अच्छा लगता। तुम्ही पण आई वडील आहात, आप भी एक माता पिता है, जेव्हा तुमची मुलं, जेव्हा आपके बच्चे तुमचं ऐकतात, आपका सुनते आणि तसंच करता, और वैसे ही करते, तुम्हाला कसं वाटतं, आपको कैसे लगता है,
खूप छान वाटतं ना, बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हाला, त्या मुलांवर खूप प्रेम येतं ना, और आपको उन बच्चों के ऊपर बहुत प्यार आता है, जी मुलं तुमचं ऐकून सुद्धा, जो बच्चे आपका सुनकर भी न ऐकल्यासारखं करतात, और बिना सुना ऐसा करते हैं, आणि आपल्या मर्जीने राहतात, और अपनी मर्जी से रहते हैं, त्या वेळेला तुम्हाला कसं वाटतं, और उस समय आपको कैसे लगता है, दोन प्रतिक्रिया येतात, और दोन प्रतिक्रिया, एक पहिला काही पालक एवढे चांगले असतात त्यांना दुःख होतं, माता पिता इथे यांचे होते उनको दुःख होता है, त्यांना लई दुःख आहे, उनको बहुत दुःख होता है, एवढं कष्ट केलं, और इतना कष्ट किया, इतना बड़ा किया, इतना त्रास, और इतना तकलीफ में है, और नौ महीने का पेट में रखा, चप्पल बाहू पुरुष मतलब मी माझी चप्पल जिंस घेऊन आले, सगळं सुख दिलं, और मैंने मेरी चप्पल गिर गया, आणि याला मोठं केलं, मैंने इसको बड़ा किया, हा मला माझा ऐक, और ये मेरा संतान है, काही पालक माझ्यासारखे असतात, कुछ माता पिता मेरे जैसे होते हैं, राग गुस्सा लगेच राग है, और तुरंत गुस्सा आता है, ये प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया, अरे उसको समझते क्या है, और स्वतः क्या समझते, ज्यादा नाटक करते क्या, और जास्त नाटक करते नहीं जाए, पहिले भी अकेले ते तू आणि पहिले आम्ही अकेले ते ना, आणि तू याच्या अगोदर आम्ही एकटेच होतो ना, मा बाप अकेले नाही ते पहिले, आणि पहिले आई वडील एकटे नव्हते का, ते ना होते ना, बाद में भी अकेले होऊन मी जाणार भी अकेला आहे, आणि नंतर पण एकटेच राहून जायचं आणि एकटेच आहे, तू नाही तर कोणी परमेश्वर किसी और का उपाय करेल, आणि जर तर तू नाही तर देव कोणा दुसऱ्याचा उपाय करेल, सचिन ये दो प्रतिक्रिया आती है, आणि या दोन प्रतिक्रिया येतात, म्हणून जो इंसान वक्त हमारे अंदर ऐसी प्रतिक्रिया आती है, आणि आपण माणूस असून आपल्यामध्ये अशी प्रतिक्रिया आहे, परमेश्वर में भी प्रतिक्रिया ही होती है, आणि देवामध्ये पण प्रतिक्रिया आहे, इसे परमेश्वर भी कहता है की उसे जब तुम सुनते नहीं हो वैसा करते नहीं हो तो प्रभु दुखता है, आणि म्हणून देव म्हणतो जेव्हा तुम्ही त्याचं ऐकत नाही तेव्हा देवाला दुःख होतं, और परमेश्वर जब आप सुनते नहीं हो करते नहीं हो, आज जेव्हा तुम्ही ऐकत नाही तसं करत नाही, परमेश्वर गुस्सा हो जाता है, देवाला राग येतो, तुम्हारी जगह किसी और को खड़ा कर देता है, तुमच्या ठिकाणी कोणा दुसऱ्याला उभं करतो, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत लोग है, कारण देवाजवळ खूप लोक आहेत, हमारे बिना परमेश्वर का चलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आणि आपल्याशिवाय देवाचं काहीच चालणार नाही असं काहीच, बच्चों को अक्सर ऐसा ही लगता है, मन मुलांना असंच वाटतं, आता आई वडील म्हातारे झाले, और अभी माता पिता बूढ़े हो चुके, आपल्याशिवाय त्यांचं काय होणार आहे, और हमारे यहाँ त्यांनी काही दाळ घालणार आहे का, और उनकी दाळ घालणे वाली है क्या, देवाची दाळ घालणार नाही असं नाही होत, और हमारी स्त्री परमेश्वरची दाळ नाही गेली देवाला आवडत, परमेश्वर को अच्छा लगता है, आपण देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते, देवाला आवडतं जेव्हा त्याच्या संपूर्ण नियमावर, और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसकी सारी नियमों के ऊपर आपण प्रेम करतो, और हम प्यार करतो, आणि त्याबद्दल काम करतो, और उसके बदले में काम करते हैं, देवाला कसं कळतं की तुम्ही देवाला ओळखता, परमेश्वर को कैसे मालूम पड़ता है की आप परमेश्वर की तुम्ही निर्माण करताना ओळखता, की आप आपके बनाने वाले को जान गए हो, समजा मी तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारते, तुमची बायको तुम्हाला ओळखते, और आपकी पत्नी आपको पहचानती है, कसं कळतं, कैसे मालूम पड़ता है, हाँ हमारी सुनती है, आपला ऐकते, इससे आपको मालूम पड़ता है वो आपको जानती है, वो पहचान चुकी है, आणि याच्याद्वारे तुम्हाला माहित पडले की वो आपको प्यार करते है, आणि ते तुम्हाला प्रेम करते, ये पहिला पॉइंट, दुसरा है, पहिला पॉइंट, दुसरा हाँ हर चीज का ख्याल रखती है, और अभी बोल रही थी ना, हाँ जो पसंद है वो ही करती है, और जो पसंद नहीं है वो करती है क्या, तो आपको समझ आ रही है मेरे पति को मालूम है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी बीवी ने ये बनाया, आणि माझ्या बायकोला माहित आहे की मला ही गोष्ट आवडते म्हणून माझ्या बायकोने हे बनवलं, एका मेरी बीवी को मालूम है ये पसंद नहीं है मुझे, आणि मग तर माझ्या बायकोला माहित आहे की मला ही गोष्ट आवडत नाही, नाही किया, आणि तिने नाही केलं, इससे आपको मालूम पड़ता है मेरी बीवी मुझे जान चुकी है, आणि याच्याद्वारे तुम्हाला माहित पडलं की माझ्या पत्नीने मला ओळखून घेतलं, अगर आपको जो पसंद नहीं है आणि जर तुम्हाला ज्या गोष्टी आवडत नाही अब वही बात वो करती आणि तीच गोष्ट जर ती करते, काय करते हो तुम्ही, काय करता तू, अभी तर मुझे पहचान नहीं क्या, आणि तू अजून 4 साल से रह रही ना, आणि 4
वर्षापासून अभी तुम्हें मालूम नहीं पड़ा क्या? आणि आतापर्यंत तुला माहित नाही पडलं की भाजी मुझे अच्छी नहीं लगती, खाल्ल्याची भाजी मला नाही आवडत, तू बनायच क्यों? तू बनवलीस का? बरोबर मैं आने से पहले मेरा घर टिपटॉप होना चाहिए, तुझे मालूम है ना? अरे मी येच्या अगोदर मग घर एकदम नीट नीट का पाहिजे, तुला माहित आहे ना? तू किए क्यों नहीं? मैं तो केलंच का नाही, तुम्हें मुझे अभी तक जाना नहीं आणि तुम्हाला अजूनपर्यंत ओळखलं नाही सच है। वैसे हम गए कितने साल से हम परमेश्वर के पास है, आणि गेले कित्येक वर्षांपासून आपण देवाजवळ आहे, लेकिन हमने से बहुत से लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर कैसा है, अभी तक बहुत जनों को मालूम नहीं। आणि आपल्या मध्ये खूप लोक आहे देवाचं ज्ञान ठेवत नाही की देवाला काय आवडतं, देवाला काय केल्याच्या देव खुश होतो हे आपल्याला अजून माहित नाही। बायबल मध्ये बताता है परमेश्वर ऐसा कहता है यशया अध्याय 1 में, आणि यशया अध्याय 1 मध्ये बायबल आपल्याला म्हणतं आयसया यशया 1 अध्याय 1 उसका 3 त्याचं 3 यशया यशया अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 3 बैल आपल्या धण्याला ओळखतो, गाढव बैल अपने मालक को पहचानता है, गाढव आपल्या मालकाचे ठाण ओळखतो, गधा भी मेरा मालक कहाँ रहता है वो जगह वो पहचानता है, पण इस्राएल ओळखत नाही, लेकिन इस्राएल मुझे पहचानता नहीं है, माझे लोक विचार करत नाही, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं मेरे बारे में सोचते नहीं, मुझे जानते नहीं। मालूम हुआ, समझ में है? अभी जानवर बड़े हैं या हम बड़े हैं? जानवर मोटे हैं कि अपन मोटे आ गए? कौन कीमती है, जानवर कीमती है या हम कीमती है? कौन कीमती है, अपन कीमती है और कि जानवर कीमती है? मुझे भी तुमने प्रॉमिस कार्ड मिला था, अरे मला ये हाडलो, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों ना वो बोते हैं ना वे पेरनी का, ना खलियान में ना वो जोते हैं ना वो खलियान में जमा करते हैं, आंटी लोग आपने को जमा करते हैं, लेकिन देखो परमेश्वर तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है, पर वहाँ स्वर्ग भी तुमसे बिना देना चाहते, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं, तुमसे मूल्य त्यांच्यापेक्षा वाढले आहे ऐसा लिखा है, यू आर वैल्यूएबल फॉर मी, तुम मेरे लिए अनमोल हो, बहुत अच्छा लगा मुझे जो मिला तो मैं बहुत खुश हुई थी, अच्छा वचन मिला, एक जगह में लिखा है तो मुझे जानना चाहिए, ऐसा भी मिला संडे को मुझे वही मिला, मेरे ज्यादा करीब आना चाहिए, ज्ञान ज्यादा रखना चाहिए, मेरे बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, कमांड है मतलब 2022 तक कम किया इसका मतलब, 2022 पर्यंत मी कमी केले असा अर्थ आहे, 2023 में और भी करना चाहिए, आणि 2023 पर्यंत मी 2023 पर्यंत अजून केलं पाहिजे, हे कमांड मिला दुसरी जगह मुझे आशीष मिली, आणि ही आज्ञा भेटली आणि दुसऱ्या ठिकाणी आशीर्वाद भेटला, केलेने का उद्देश प्रियो हमारा परमेश्वर जानवरों से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है, आणि आपला देव जनावरांपेक्षा जास्त आपल्यावरती प्रेम करतो, तो हमारा मूल्य जानवरों से पक्षियों से बढ़कर है, आणि आपलं जे मूल्य आहे प्राण्यांपेक्षा जनावरांपेक्षा, जो जानवर जिनमें आत्मा नहीं है, आणि जी जनावर ज्यांच्यामध्ये आत्मा नहीं है वो अपने मालिक को पूछता है, भूलता नहीं, पहचानता है, आणि तो आपल्या मालकाला ओळखतो, त्याला विचारतो, तो फिर हम तो इंसान है, आपण तर माणूस, हम तो हमारे परमेश्वर निर्माण करते को सृजनहार को भूलना नहीं चाहिए, मग आपण पण आपल्या निर्माण करतेला विसरलं नाही पाहिजे, सही। अगर आज भी 4-5 साल के बाद 10 साल के बाद भी अगर कोई मसीह चर्च नहीं आता है, आणि 4-5 वर्षांनंतर 10 वर्षांनंतर कोणी ख्रिस्ती जर चर्च मध्ये येत नाही, इसका मतलब वो परमेश्वर को पहचाना ही नहीं है, आणि याचा अर्थ त्याने देवाला ओळखूनच नाही घेतले, वो कह तो रहा है कि मैं मसीह हूँ, तो मंडे भी ख्रिस्ती है, लेकिन मसीह कहाँ होते प्रार्थना के समय पर ख्रिस्ती लोग प्रार्थना छोड़े होते हैं, अगर वो कहता है मैं मसीह हूँ, मेरा परमेश्वर मेरा है और मैं परमेश्वर का हूँ, आज जर तो म्हणतो मी ख्रिस्ती आहे, देव माझा आहे, मी देवाचा आहे, लेकिन अगर वो क्षमा ही नहीं करता, पण जर तो क्षमा करत नाही, दया ही नहीं करता, दया करत नाही, अनुग्रह ही नहीं कर रहा, आणि कृपाच करत नाही, कोई लाभ नहीं, मग असा काहीच लाभ नाही, मतलब उसने परमेश्वर को पहचाना नहीं, आणि म्हणजे त्याने देवाला ओळखू नाही, अगर वो कठोर रहता है, जर तो कठोर राहतो, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है, दर्द देता है, कष्ट देता है, तकलीफ देता है, आणि लहान सहान गोष्टींमध्ये दुःख देतो, त्रास देतो, तो उसने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं है, मग त्याने कधी देवाला ओळखूनच नाही घेतलं, जो परमेश्वर को जानता है वो ऐसा करेगा नहीं, आणि जो देवाला ओळखतो तो असं कधी करणार नाही, इसलिए मैंने बोला ना कि पत्नी अगर उसे मालूम है मेरे पति को यहाँ ये वस्तु रखी हुई पसंद नहीं है, आणि जर पत्नीला माहित आहे की माझ्या नवऱ्याला ही वस्तु इथे ठेवल्याच्या नंतर रखेगी क्या, आणि मग ती ठेवेल का,
वो जानती है मेरे पति को इधर ये वस्तु रखी हुई अच्छी नहीं लगती। आंटी का भाई माजे नवरा ही वस्तु इधर नहीं आवड़ा। सही है, वो इस बात का ख्याल करेगी। आंटी क्या कोशिश काजी जो जानते हैं जिस जानता वो ये काम नहीं करेंगे। काम की लोग काम नहीं करेंगे। आज हम मसीह लोग ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं ऐसा बोलकर भी, लेकिन ऐसे काम करते हैं जिसे हम दिखाते हैं हम परमेश्वर को नहीं जानते। अपन आज ऐसा मन तो मैं देवाला ओळखलेला आहे, पण आज अपन अशी काम करतो की जशा तरी अपन दाखवतो की मैं अजूनही देवाला ओळखलेला नाही। बाइबल में एक व्याख्या है कि बताया गया है कि परमेश्वर को जानना मतलब क्या है। आणि बाइबल मध्ये व्याख्या दिलेली आहे की देवाला जाणून घेणे म्हणजे काय। नीति वचन नीति सूत्र अध्याय 9 अध्याय 9 पुस्तक 10 ऐसा कहा। प्रोवर्ब्स नीति सूत्र अध्याय 9 अध्याय 9 पुस्तक 10 ऐसा कहा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 10 नीति सूत्र अध्याय 9 ऐसा कहा। क्यों हम जितना परमेश्वर को जानेंगे आणि जितना आपण देवाला ओळखतो उतना हम उस पर विश्वास करेंगे आणि जितका आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवा। बरोबर आहे। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे जितना अपन देवाला ओळखतो उतना हम परमेश्वर को क्या करेंगे जितना अपन देवाला काय करू विश्वास रखेंगे और उसके करीब आएंगे आणि विश्वास ठेवणे अजून त्याच्या जवळ येईल। परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा आरंभ होय। परमेश्वर का भय मतलब बुद्धि की शुरुआत है, जिसकी जो परमेश्वर का भय मानने लगता है उसकी बुद्धि चालू हो गई। अभी उसको बुद्धि आने लगी आणि आता त्याला ज्ञान येऊ लागले। जो परमेश्वर को डरता नहीं जो देवाला घाबरत नहीं उसके अंदर बुद्धि नहीं है त्याच्यामध्ये ज्ञान नहीं है। आणि परम पवित्राला ओळखणे परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही स्तुत्यता होय। ही स्तुत्यता यानी समझ है, यानी उसको समझ है क्या करना चाहिए। समझदार व्यक्ति समझ के बारे में कैसा बताए मालूम। समझ के बारे में किसी नीति वचन में बताया गया है आणि सुज्ञेने बदल या नीति सूत्रामध्ये सांगितलेला आहे। 24वा अध्याय अगर आप पढ़ोगे 24वा अध्याय जर तुम्ही वाचला उसमें समझ के बारे में बताया है। त्याच्यामध्ये सुज्ञेने बदल सांगण्यात आलेला आहे। पढ़ो 3 और 4 3 आणि 4 सुज्ञाच्या योगे घर बांधता येते। हाँ, बुद्धि से घर बांधा जाता है। जिसके पास बुद्धि है वो घर बांधेगा, जिसको बुद्धि नहीं ना वो घर नहीं बांधेगा। और बाइबल में पुरुष और स्त्री दोनों को बोला गया है। बाइबल में स्त्री आणि पुरुष दोघांना सही सांगण्यात आले। बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान आणि मूर्ख बाइबल में बताया है। बुद्धिमान पुरुष घर बांधता है आणि बाइबल सांगतो बुद्धिमान पुरुष घर बांधतो। और स्त्री के लिए भी बोला है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है आणि स्त्री साठी पण म्हटलेले आहे बुद्धिमान स्त्री घर बांधते। और मूर्ख के बारे में बोला है मूर्ख पुरुष घर नहीं बांधता आणि मूर्खाबद्दल बोलेले आहे की मूर्ख पुरुष घर नाही बांधत। और मूर्ख स्त्री अपने हातो से घर तोडते आणि मूर्ख स्त्री स्वतःच्या हाताने घर तोडते। मालूम हो गया। इसे बुद्धिमान पुरुष अपना घर बनाएगा आणि म्हणून बुद्धिमान पुरुष अपना घर बनवेल। तो ये जब जब कोई पुरुष जब जब कोई घर अपना स्त्री और पुरुष घर बनाते उसे मालूम पड़ता है वो बुद्धिमान है आणि जो उसके पास बुद्धि है। जो कोणी स्त्री आणि पुरुष घर बनवतो तेव्हा आपल्याला माहित पडते की त्याच्याजवळ बुद्धि आहे, ज्ञान आहे उसके पास आणि ज्ञान आहे त्याच्याजवळ। तो क्या करेगा खाली घर को खाली नहीं रखेगा आणि तो काय करेल घराला निकामी नाही ठेवणार। तो क्या करेगा तो काय करेल तो घर को बेड की जरूरत है आणि घराला बेड ची गरज आहे बेड लेगा। बेड घे घर बोला तो बर्तन चाहिए आणि घर म्हटलं तर भांडी पाहिजे। घर बोला तो बाथरूम चाहिए आणि घर म्हटलं तर बकेट चाहिए बकेट पाहिजे। ये सारी वस्तू वो खरीदी करे आणि या सर्व वस्तू तो खरीदी करे। घर को अनमोल वस्तुओं से भर देगा आणि घराला अनमोल वस्तू भरून टाकेल। अनमोल घर में जो अनमोल वस्तुएं देखकर मालूम पड़ता है ये आदमी और ये स्त्री ज्ञानी है। आणि घरामध्ये अनमोल वस्तू बघून माहित पडते की हा जो स्त्री आहे ही जी स्त्री आहे हा जो पुरुष आहे तो बुद्धिमान आहे। और जो वस्तु वहाँ की वहाँ है उसको ज्ञान है। आज जी वस्तु जितना जितना है मुझे अलग ज्ञान है। सोचो किचन के सारे आइटम किचन में सारे आइटम अगर हॉल में ला के रखा है अगर हॉल में आनंद है तो समझ जाने का इसको ज्ञान नहीं है। बाबा समझ जाने से इन्हें ज्ञान नहीं है। छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं होता है अरे लहान मुलांना ज्ञान नसतं। इसलिए वो जब रांगते हैं अरे म्हणून जेव्हा ते रांगतात चलने लगते हैं चालू लागतात किचन के सारे आइटम उठा के वो हॉल में लाते हैं। किचन मध्ये सगळे आइटम उचलून हॉल मध्ये आणतात। ये तो आपको अनुभव हुआ होगा आणि हा चांगला अनुभव तुम्हाला झाला असेल। सही है। हम जाके वो वस्तु वापस किचन में रखते आणि आपण जाऊन पुन्हा त्या वस्तु किचन मध्ये ठेवतो। इसीलिए जिसको ज्ञान नहीं रहता है ना आणि म्हणून ज्याला ज्ञान नसतं वो अपना घर बनाए नहीं रखता तो आपलं घर बनून नाही ठेवत। और लिखा है समझ जिसमें होता है आणि ज्याच्यामध्ये समजच मना असतो वो घर स्थिर रहता है आणि ते घर स्थिर राहतं।
यानी घर को इधर खड्डा होल, कलर गिर गया है, खराब हो गया है। हाँ अच्छा रीति से लारी बिठाया था लेकिन लारी काली हो गई है, हथौड़ी मार मार के ठेस ठेस के तोड़ दिया है, यानी उस व्यक्ति को समझ नहीं है। आणि जो आपल्या घराची तोडफोड करतो समजून द्यायचं त्याला संबंधच पाला नाही। समझ जिसमें रहता है वो सोचेगा अरे बाबा आज के जमाने में घर बनाना आसान बात नहीं। जैसा मेरे संबंध बना है तो विचार करे कि आज के युग में घर बनाना कठिन तो घर नहीं है, घर बड़ी मुश्किल से बनता है। अरे घर को मुश्किल नहीं बनता, घर बारंबार नहीं बनाते, घर बारंबार नहीं तो इसीलिए इस घर को टिक टाक रखना, यहाँ घर वेट नेटकर अच्छा रखना चांगला ये जिसमें समझ होती है वो वैसा संभालता है। जैसा मेरे यहाँ संबंध बना तो वो बच्चों को बोलेगा नहीं इधर को रहा तुमको नोटबुक दिया है उधर ड्राइंग करो, मुलांना तो म्हणे की तुम्हाला जे नोटबुक दिला आहे त्याच्यामध्ये ड्रॉइंग करा, दीवार को ड्रॉइंग बुक मत बनाना, आणि भिंतीला ड्रॉइंग बुक बनवू नका, कलर महंगा आहे आणि कलर महाग आहे, बार बार कलर हर साल लगाएंगे क्या हम, आणि प्रत्येक वर्षी कलर लावणार का आपण, इसीलिए बिलकुल हात नाही लगाना दीवार को, आणि म्हणून भिंतीला बिलकुल हात लावा। समजदार व्यक्ती आणि समजदार पुरुष जो बनाया है उसको टिका के रखता है, आणि जे बनवलेला आहे त्याला बनवून ठेवतो। समजदार व्यक्ती आपली पत्नी को भी बनाए रखता है, पति को भी बनाए रखता है, आणि समजदार व्यक्ती आपल्या नवऱ्याला अपने बच्चों को अपना बनाए रखता है, अपने मुलांना स्वतः अपने लोगों को पकड़ के रखता है, अपने लोगों को समझ नहीं है ना, समझ नहीं है सब तितर बितर कर रहे हैं, लोग सब तितर बितर करता है। समझ में आया से समझ का अर्थ क्या है, समंजसपणा सा अर्थ क्या है, जिसको सब समझा है। हाँ बाबा हाँ, ज्यादा सब का ही समझ लेना है, तो जो परमेश्वर को जानता है उसके अंदर समझ होती है, जो देवाला ओळखतो त्याच्यामध्ये समंजसपणा असतो, वो क्या करेगा परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करेगा, आणि तो काय करेल देवाला ज्या गोष्टी आवडतात त्या गोष्टी करेल, परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, आणि देवावरती विश्वास ठेवेल। आज हम लोग कितने लोगों पर अनदेखे लोगों पर विश्वास रखते हैं, आणि आज आपण किती अनदेखे लोकांवर आपण विश्वास ठेवतो, लेकिन हम देखने वाले जिनको हम जानते हैं उन पर जल्दी विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते आज जना को ओळखत नहीं लेकिन हम उनके ऊपर आप बंद करके विश्वास रखते, अपन न पाता विश्वास, एक ट्रेन का ड्राइवर आप जाके उसके पास पूछ लो जाऊ विचारता ना, एक ड्राइविंग लाइसेंस दिखा, तुझा ड्राइविंग लाइसेंस दाखो, एक जिस गाड़ी ड्राइवर को अपने बुलाया है गाड़ी चलाने के लिए उस पर भी आप बंद करके विश्वास रखेंगे, अच्छा ही चलाता है ड्राइवर है ना, अच्छा ही चलाता है, ड्राइवर का तुम्हें विश्वास होता है ड्राइवर का चांग चल गया, जिस बस में आप बैठते हो जब बस के ड्राइवर पर भी आप विश्वास करते, जब बस में तुम्हें बसता है बस का ड्राइवर पर भी तुम्हें विश्वास होता है, लेकिन वो आप लचित होने नहीं देता, और तुम्हारा लचित होने नहीं होने देता है, नहीं हो देता, वैसे हमारा परमेश्वर भी अनदेखा है, जितना हम उसको जानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे वो हमें लचित होने नहीं देगा, आपका ही देव तो आपने दिसत नहीं जितना अपन ओळखो तितका अपन विश्वास प्रिय प्रभु की इच्छा क्या है मालूम, देवाची इच्छा क्या है, लोग ऐसा बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें परमेश्वर का सब कुछ मालूम है, सब नियम मालूम है, सब आज्ञा मालूम है, ऐसा बोल बोल कर वो लोग काम ऐसा करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लोग मतलब की आम्ही देवाला ओळखून घेतलं देवाला काय आवडतं काय नाही आवडतं आम्हाला सगळं काही माहित आहे, पण ती लोक अशी कामं करतात ज्याच्याद्वारे दाखवतात की आम्ही देवाला बिलकुल ओळखत नाही, उनके कार्य बताते कि उनको परमेश्वर बिल्कुल मालूम नहीं है, आणि त्यांचं कार्य सांगतं की ते देवाला बिलकुल ओळखत नाही, नए करार में उसके बारे में ऐसा दिया है, आणि नवीन करारमध्ये त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे, पहिला रोमियो की पत्री रोमकरांचं पत्र, रोमियो की पत्री रोमकरांचं पत्र अध्याय एक अध्याय एक उसका अठारह से ऐसा अठारह पास है उन्हीं से पढ़े एक उन्हीं पास है ना, कारण देवाविषयी प्राप्त होणारे ज्ञान त्यांच्या दिसून येते, कारण देवाने त्यांना दाखवून दिले आहे, परमेश्वराने हर इंसान के मनो में अपना ज्ञान प्रकट किया है और हर इंसान परमेश्वर का ज्ञान रखता है, कारण सृष्टीच्या निर्मितीपासून त्याच्या अदृश्य गोष्टी म्हणजे त्याचे सनातन सामर्थ्य व देवपण ही निर्मिलेल्या पदार्थांवरून ज्ञात होऊन स्पष्ट दिसत, जो कुछ इस संसार में बनाया गया है उसके द्वारा परमेश्वर दिखाई देता है, अशासाठी की त्यांना कसलीही सबब राहू नये, बोलू ऐसा बोलला नाही जे हमको मालूम नाही परमेश्वर कोण, देवाला ओळखून सुद्धा
त्यांनी देव म्हणून त्याचा गौरव केला नाही. परमेश्वर को पहचानने के बाद भी आज लोगों को मालूम है परमेश्वर कौन है. मूर्ति में रहता नहीं है, मूर्ति में चलता नहीं है. ऐसे में नहीं रहकर भी ये ज्ञान इंसानों को होने के बावजूद भी त्याचे आभार मानले नाही, उसको धन्यवाद दिया नाही, पण ते आपल्या कल्पनांनी शून्यवत झाले. वो अपने विचारों में शून्य हो गए और क्या हुआ, आणि त्यांचे निर्बुद्धी मन अंधकाराने भरून गेले. आगे स्वतःला शहाणे म्हणता म्हणता उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान बताकर भी ते मूर्ख बनले. वो मूर्ख बने और उन्होंने क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को मूर्ति का आकार दे दिया. आपको समझा? तो इसलिए हम भी बहुत बार कभी कभी ऐसे बोलते हैं, हमें परमेश्वर मालूम है, आणि आपण खूप वेळा असं म्हणतो की आम्हाला देव माहित आहे, लेकिन हम बहुत बातों में चूक जाते हैं, आपण खूप सारे गोष्टी मध्ये चुकतो. ऐसे ऐसा ना हो. आणि म्हणून असं होत नाही. साल के आरंभ के वचन में परमेश्वर आपको बोलता है, आप जरा दयालु बनो. आणि आजच्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या आरंभीच्या दिवशी देव तुम्हाला म्हणत आहे, प्रेमळ बनो, दयाळू बना, प्रेमळ बना, प्रेमी बनो. ऐसा स्थिर प्रेम लोको भगवे जैसा कभी है प्रेम कभी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आणि तुमचं प्रेम तुम्ही स्थिर ठेवा, कधी आहे कधी नाही असं तुम्ही करू नका. परमेश्वर के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी. आणि देवासाठी सुद्धा आणि एकमेकांच्या तू सारे मन से सारे प्राण से सारे शक्ति से सारी बुद्धि से प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर और जैसे खुद को वैसे पड़ोसी को प्रेम कर. आणि देव म्हणाला की संपूर्ण मनाने बुद्धीने ज्ञानाने तू काय कर, आपल्या शेजाऱ्याने देवाची प्रीती कर, आणि जसं तू स्वतःवरती प्रेम करतो तसं आपल्या शेजाऱ्यावरती पण प्रीती. इसलिए पहिले परमेश्वर को प्यार करो, दूसरा खुद को करो, तीसरा अपने पड़ोसी को प्यार करो. आणि पहिले देवाला प्रेम करा, नंतर स्वतःला प्रेम करा, नंतर आपल्या शेजाऱ्यावरती. जो परमेश्वर को प्यार करता है आणि जो देवाला प्रेम करतो वो कभी भी कठोर नहीं रहेगा, तो कधीही कठोर नाही. अगर मुझे चिमटी लेने पर आणि मला चिमटी घेतल्यावर मुझे जो दर्द होता है जो त्रास होतो, तो मुझे इसको चिमटी लेने के समय पर सोचना चाहिए कि अरे ये चिमटी का दर्द मुझे कैसा है. आणि मला हिला चिमटी घेताना विचार केला पाहिजे की चिमटीचं दुःख काय आहे, मुझे मैं ऐसा इसको मारना है. आणि मला जर हिला असं मारायचं, तो ऐसा मारने पर आणि असं मारल्यावर इधर कैसा झुंझुनी हो रहा है, आणि कसा झुंझुनी, कैसा दर्द हो रहा है, आणि कसा त्रास होतोय, वो दर्द इसको मारने से पहले मुझे सोचना चाहिए. आणि तीच गोष्ट तिला मारते वेळेस मला विचार करायचा आहे. ये प्रभु हमसे कह रहा है. आणि हे देव आपल्याला एक दुसरे के साथ अच्छा रहो, आणि एकमेकांबरोबर चांगले राहा, सॉफ्ट रहो, सॉफ्ट राहा, दयालु रहो, दयालु राहा, कठोर नहीं बनो, कठोर बनू नका, क्षमा करो, क्षमा करा. तुम्हारा परमेश्वर जैसा है वैसे बनो. आज जसं तुमचा देव आहे तसं तुम्ही बना. और परमेश्वर को जानो. आणि देवाला जाणून घ्या. जितना परमेश्वर को जानोगे आणि जितकं तुम्ही देवाला जाणून घ्या, उतना प्रभु आपके करीब रहेगा, आप परमेश्वर के करीब. आणि जितकं देव तुमच्या जवळ आहे आणि तुम्ही देवाच्या जवळ राहाल. हालेलुया, हालेलुया. बहुत बार हम लोग मसीह लोगों को बोलते क्षमा करो क्षमा करो, छोटी छोटी बातों पर हम नाराजी गुस्सा करते बात करना छोड़ देते, तो क्या परमेश्वर को उसने जाना है? आणि खूप वेळा आपण ख्रिस्ती लोकांना सांगतो की क्षमा करा, छोट्या छोट्या गोष्टींवरती रागवतात, फुटतात आणि अक्षमामध्ये भरलेले असतात. मग त्यांनी देवाला ओळखून घेतलेला आहे, पहचान आहे. उन्होंने परमेश्वर को पहचान आहे. जे लोक प्रत्येक रविवारी चर्च मध्ये येतात त्यांनी देवाला ओळखून घेतले आहे का? जो कर्जा नाही की कर्जा नाही देत आहे उसने परमेश्वर को पहचान आहे. जे कर्ज घेऊन कर्ज देत नाही त्यांनी देवाला ओळखला आहे. कितना गलत बात है, किसी से हम कर्जा देते उन्होंने हमारे संकट के समय में तकलीफ के समय में हमको मदद किया रहता है. आणि किती चुकीची गोष्ट आहे की त्या लोकांनी आपल्या दुःखामध्ये आपल्या त्रासामध्ये आपल्याला खूप मदत केलेली असते. आपण ते देते आपण त्यांच्याकडून घेतो पण देते नाही आणि आपण देत नाही. आणि ही चुकीची गोष्ट आहे. सही आहे. तो ये नहीं करना आणि ही नाही करायचं. तो मी परमेश्वर को नहीं जाना. म्हणजे आपण देवाला नाही ओळखले आहे. जो लोग ऐसा करते उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं. आणि जे लोक अशी कामं करतात त्यांनी देवाला ओळखलंच नाही. प्रियो परमेश्वर को पहचानो. आणि प्रियांना देवाला ओळख. आपका परमेश्वर कोण आहे आपको मालूम होना. आणि तुमचा देव कोण आहे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा आहे आणि हीच देवाची इच्छा आहे. जागा परमेश्वर के करीब आहे आणि म्हणून जास्त देवाच्या जवळ या. प्रभु की इच्छा आहे आणि ही देवाची इच्छा. दया करो, दया करा. अगर आप जितना दया करोगे ना आपका लाभ है. जितनी तुम्हें दया करा तितना तुमचा लाभ है. क्यों बेचारा का. हाँ, अगर आप दया करते हो जब तुम्हें दया करता तो आपका न्याय भी दया से होगा. तुमचा न्याय सुद्धा दयेने सॉफ्टली किया जाएगा. सॉफ्टली कधी करण्यात प्रभु कडक नाही होईल आणि देव कठोर नाही होणार. आपने दुसरों के साथ दया की है. आणि जर तुम्ही दुसऱ्यांवरती दया केली लेकिन अगर आप कठोर रहे हो जर तुम्ही कठोर राहिला परमेश्वर भी आपका न्याय कठोर राही से करेगा. आणि देव तुमचा न्याय कठोरपणे करेल. आपका न्याय दया नहीं रहेगा. आणि तुमच्या न्यायावरती तो दया नाही करणार.
इसलिए दयावंत बना, दयावंत बना, सॉफ्ट रहो, सॉफ्ट रहना। परमेश्वर ये आपसे चाहता है, देवाची तुमच्याकडून इच्छा आहे, देव आपको आशीष दे, देव तुम्हाला आशीर्वादित करो। सर्व प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले, सर्व जन प्रभु भोजनामध्ये भाग घ्यायच्या अगोदर सब प्रभु से क्षमा मांगे। आपण सर्व जन देवाकडे खड़े हो जाएंगे, आपण सर्व जन खड़े होकर हम कठोर है उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। आणि उभा राहून आपण सर्व जन कठोर आहोत या गोष्टीसाठी आपण देवाकडे क्षमा, प्रेम नहीं करते हैं, आपण प्रेम नहीं करते परमेश्वर को भी नहीं, देवाला एक दूसरे को भी नहीं, एक मिनट हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक मिनट से प्रभु मुझे 2023 में प्रभु मुझे क्षमा कर और मैं स्थिर प्रेम कर सकूं। देवाला बोले 2023 मध्ये प्रभु तुम्हाला स्थिर प्रेम प्रेम करण्यासाठी तू मदत कर, मुझे बना ऐसा, मला तू असं मेरे अंदर से पत्थर सा हृदय निकाल, आणि माझ्यामध्ये दरडाचं हृदय काढ, मेरे अंदर दया का हृदय, आणि माझ्यामध्ये दयेचं हृदय दे, संभाळू बना, संभाळू बना, मुझे सॉफ्ट कर, मला सॉफ्ट कर, मांसमय हृदय दे, मांसमय हृदय दे प्रभु, मुझे दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए मदद कर, संवेदनशील रहने के लिए मदद कर प्रभु, मुझे बना वैसा प्रभु, तुम्हारा वैसा बना प्लीज प्रभु, मेरे अंदर से बुरा स्वभाव, आज मैंने वाइट स्वभाव दूर कर दे, दूर कर, मुझे बना, बना बना। और मैं आपको जान सकूं, अभी भी तुम्हारा ओळखा, अभी भी बहुत बातों में आपको नहीं जानता, अभी अजुन ही खूब सारे गोष्टी मुझे तुम्हारा ओळखा, अभी मैं आपको पहचानता नहीं, अजुन ही तुम्हारा ओळखता नहीं, बहुत कम ज्ञान है मुझे आपका, आणि मला खूप कमी ज्ञान आहे तुमचं, तो मुझे आपका ज्ञान दे दो, आणि मला तुमचं ज्ञान दे, मैं आपको और जानना चाहता हूं, मला अजून तुम्हाला ओळखायचं आहे, मैं आपको मुझ पर प्रकट कर, आणि माझ्यावरती तू स्वतःला प्रकट कर, मैं जानना चाहता हूं, मला जाणून घ्यायचं आहे, बड़ी इच्छा है, माझी मोठी इच्छा आहे, इसलिए मुझे मदद कर, पण मला मदद कर, जो भी गलती आमसे हुई है अजून ज्या काही चुका आपल्याकडून झालेल्या आहेत हम सब एक एक पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगो, सब एक एक पापासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागू, पवित्र करुणामय देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते मेरे राजा मेरे मां पवित्र सेनाधीश पिता, सच बात है अभी भी कभी कभी हमारे अंदर पत्थर सा हृदय हो जाता है प्रभु, किसी किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, किसी किसी के लिए पत्थर सा हो जाते हैं प्रभु, हमें क्षमा हम पापी है प्रभु, हमें माफ कर, हमारे अंदर से पत्थर सा हृदय निकाल दे और हमें मांस में हृदय दे और उधर दया भर दे प्रभु, हम सबके साथ दया से रहे प्रभु, अगर हम दया करें प्रभु, दया का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम दया करेंगे तो हम पर भी दया की जाएगा, इसलिए प्रभु हम पर दया करो, इन सब का हृदय दया से भर, एक दूसरे के प्रति एकदम हार्श, एकदम कठोर ऐसे नहीं रहे प्रभु, इनके अंदर जो दुष्टता है, कपट है, दोनों के सब निकाल दे प्रभु, और प्रभु दया का हृदय और तुझे जानने के लिए मदद कर, और तुझे परखने के लिए मदद कर, और तुझे पहचानने के लिए मदद कर, और तेरे करीब आने के लिए मदद कर, तेरा ज्यादा ज्ञान रखे इसलिए सहायता कर, ये मेरी विनती है मेरे पिता, ये तुझे और ज्यादा ज्ञान तेरे बारे में कर, ताकि कह सके कि हाँ मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, मेरा परमेश्वर कैसा है, प्रभु ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है, तेरी भी तो यही इच्छा है ना, तू भी तो इसी से खुश होता है, ये तेरा ज्ञान रखे प्रभु, इसलिए इनके अंदर समझ दे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ भी दे प्रभु, और आप तो वचन कहते हैं मेरे लोग मेरा ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे, और सचमुच प्रभु ये नाश न हो, ये तेरी और मेरी भी इच्छा है, इसलिए प्रभु इन्हें तेरा ज्ञान नहीं दे, क्योंकि तेरा ज्ञान इन्हें नाश होने से बचाए रखेगा, इनकी सुनी लेना, इन्हें शबाद इनकी सारी आशीष देती है, इनकी रक्षा करना, इस वचन के अनुसार चलने के लिए तो मदद करना प्रभु यीशु के नाम से।